फ्लैश आता है बुलबुल को उस टाइम पीरियड पे जब उसे वही लोग कहते हैं कि तुझे क्या लग रहा है, तू ऐसे जो तूने चुप्पी साध ली है, तुझे जेल में रहना पड़ेगा और उसके बाद तू जेल में रहेगी तो तेरा पति भी तुझे छोड़ के चला जाएगा। तुझे तो परिवार, सासरा, पति सब की नाक रहेगा। तो उसे सारे फ्लैशेज आते हैं उसके और थानेदार साके कि उनके अच्छे अच्छे जो मोमेंट्स थे। फिर वो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि 20 साल तो क्या, 20 जन्म भी मेरे थानेदार साहब मेरे लिए रुकेंगे। डरा नहीं रहे थे तो फिर क्या अभी फूफा फूफा साहब को फोड़ के दिवाली मना रहे थे? नहीं बिल्कुल, वो मैं एक्चुअली ये लेकर आया था क्योंकि तो आई थिंक वही चल रहा है, बहुत इमोशनल है उसके लिए, बट शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर थानेदार साहब। तो बहुत अच्छा सीन था वो भी, तो वही चल रहा था उसको। जहाँ बुलबुल हो गया, आई डोंट थिंक वहाँ पे मस्ती ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो दुखी भी है बट एट द सेम टाइम वो उसमें है वो चीज़ कि वो जहाँ जाती है तो लोग उसे देख के प्यार करने ही लग जाते हैं। यहाँ भी वही हो रहा है, एक काकी सा है उसके जस्ट जो उसका सेल है उसके जस्ट बाजू में, उनकी गर्दन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अपने तरीके से सबसे वो एक्सरसाइज कराती है। तो काफ़ी फन सीन था, आई थिंक अच्छा लगेगा सबको। अभी भी इस फेवर में नहीं हो कि तुम किसी और का इल्ज़ाम अपने सर पर लोगी? ने जो कुछ भी किया वो मेरे परिवार के लिए किया, लेकिन मेरे आप क्या अकेले का परिवार है? नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, मेरे नहीं, हमारे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, वो मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी पहले से, बट हाँ सब बहुत अच्छा है। तो जैसे आप हमें प्यार दे रहे हैं, प्लीज़ हमें प्यार देते रहिए है।